हेलमेट का जो ये वाइजर है, इसका ये जो ये निकल गया, गरम होगा भैया, ये हाथ चिपक जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं सोया था रात को पैकिंग वगैरह करते करते, पैकिंग तो खैर ज़्यादा नहीं है मेरी, मैं आपको अभी लगेज दिखा देता हूँ। मैं सोया हूँ रात को 11:30 बजे, 3 बजे का अलार्म लगा के स्नूज करते करते उसको 3:30 बजे उठा हूँ। उसके बाद नहाया धोया, जो बचा कुचा सामान था वो रखा, हेलमेट क्लीन करा एंड आई एम ऑल रेडी। टाइम हो गया है 4:40 और हम निकल रहे हैं अपनी मुंबई की ट्रिप के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं क्योंकि ये ट्रिप मैंने आज तक बाइक पे कभी करा नहीं है। सोचा ज़रूर था 2-3 साल में, मगर आज तक कभी पूरा हो ही नहीं पाया क्योंकि लंबा बहुत पड़ जाता है और फिर थोड़ा ये होता है कि यार गर्मी होगी, ये होगा। मगर फाइनली हिम्मत करके किसी तरीके से आज हम निकलेंगे। और लगेज मैं बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करता हूँ, आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये वाला बैग में अपना जो राइनॉक्स का एक्सपीडिशन है, ये कैरी कर रहा हूँ आज, और सिर्फ यही बैग है। इसके अलावा जो इसका मैं एक्सटेंशन कैरी करता हूँ वो भी नहीं है, सिर्फ इस बैग में मेरा सारा सामान है, इंक्लूडिंग द लैपटॉप। तो आप देख लो किस हिसाब से अपना मैनेज करा है। बाकी ये अपना हेलमेट रेडी है, ये एक लाइट मैंने इस बार मंगाई थी और बड़ी सही चीज़ है ये भी, आपको शायद आपने देखी भी हो, बहुत ब्राइट है, रात को कहीं पे भी चाहिए तो, और ब्लिंक भी जाती है, और इसमें ओपनर का भी काम है। बस लगेज बांधना रह गया, उसके बाद हम लोग निकलते हैं एकदम फटफट करके। भी निकलते निकलते अभी चाय पी के निकलूँगा मैं, तो 5 ऑलरेडी मेरे को बच जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपना हाईवे पे सीधा। चलो भाइयों, लगेज सेटअप वगैरह अपना डन। और मैंने आपको बताया था इस बार मैंने जो टॉप रैक वाली प्लेट लगाई है उस पर बैग माउंट हो गया है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कहीं पे भी बिल्कुल नहीं हिल रहा। प्लेट का यही फ़ायदा रहता है। और एक्रो स्ट्रैप्स मैंने इसमें डाल दिए हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। गोप्रो 1 मोबाइल और इग्निशन ऑन करते हैं अब, और थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट देके हम लोग निकलते हैं। फ्यूल अप मेरे को कराना है, सामने से कराएंगे, ठीक है जी। वैष्णो लाइट्स के साथ हम निकल रहे हैं आज, बहुत दिन बाद आज लाइट का कमाल आपको फिर से दिखाते हैं। बड़ा लाइट फील हो रहा है यार, मज़ा आ रहा है आज। एक तो जो मैंने जैकेट डाली है ना निर्विक, बड़ी सही जैकेट है यार, बहुत कंफर्टेबल है। फ्यूल अप अपना हो गया, 781 रुपीज़ का पेट्रोल आया 8 लीटर के आसपास। और आज मैं रूट थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ यार, आज मैं पेरिफेरल से नहीं जा रहा हूँ। रीज़न उसका ये है कि पेरिफेरल पे यार थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, सच बताऊँ तो। पेरिफेरल से मैं आज इसलिए नहीं जा रहा हूँ यार, उसके दो रीज़न है। एक तो पेरिफेरल पे ऑफिशियली बाइक्स आर नॉट अलाउड, ठीक है जी। तो हालांकि इस टाइम कोई चेकिंग नहीं होती, मगर आपको पता नहीं भाई, वही है ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हो सकती है। पता चले कोई पकड़ ही ले, क्या फ़ायदा, 20,000 के चलान हो रहे हैं और पूरी ट्रिप पे इतना खर्चा नहीं होगा जितना चलान पे हो जाएगा। और पता है ये लोग छोड़ते भी नहीं है। तो भैया 2 महीने बाद फाइनली आश्रम का फ्लाईओवर खुल चुका है, और ये आश्रम का फ्लाईओवर क्या सही बना यार। और इससे यार ट्रैफिक में जो मतलब नोएडा दिल्ली गुड़गांव जाने वाले लोग थे ना रोज़, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी यार, सच में बहुत ही बढ़िया फ्लाईओवर बन गया। इसका बहुत टाइम से वेट था, बस ये दिल्ली क्रॉस करने के बाद हम क्रॉस करेंगे गुड़गांव, उसके बाद पकड़ेंगे वो जो जयपुर वाला रास्ता होता है एकदम टापो टाप सीधा। अभी मेरे को भूख नहीं लगी क्योंकि मैंने 2 स्लाइस ब्रेड खा लिए और लेमन टी पी के आया हूँ। अभी मैं चल चुका हूँ 127 किलोमीटर और मैंने सोचा अभी मैप लगा लेता हूँ। और मैप लगा के ये पड़ रहा है अपना 23 घंटे 30 मिनट 1300
47 किलोमीटर तो यही वाला रूट जाएगा अभी, क्योंकि मैंने सोचा यार जब मैं इस रास्ते पे आऊँगा ना, मानेसर वगैरह क्रॉस करूँगा उसके बाद ही मैप लगाऊँ तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक का तो रास्ता सही है, उसके बाद का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। यार वो जो एक्सप्रेस वे नया खुला है ना, अगर वो खुल जाता तो मज़ा ही आ जाता, मगर उन पर बाइक्स अलाव नहीं है अभी। देखो शायद फ्यूचर में हो जाए तो अच्छा ही यार, मतलब हमारा क्या फ़ायदा हुआ, बाइकर्स का क्या फ़ायदा हुआ जो राइड करते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, अभी निकलते हैं यहाँ से। ट्रैफिक शुरू हो चुका है ट्रक्स का, मगर अच्छा हुआ मैंने पीछे वाला ट्रैफिक क्रॉस कर लिया, क्योंकि मानेसर की साइड बहुत गंदा ट्रैफिक रहता है। वो क्रॉस हो चुका है अपना, बाकी ये रास्ता तो फिर भी ठीक ठाक सा है। तो अभी मेरे को यही NH 8 पे ही हूँ मैं, नहीं NH 48 पे, सॉरी। चल दिए हम लोग 226 किलोमीटर और अब है टाइम फ्यूल अप का और एक छोटे से रिफ्रेशमेंट का। अब रुकना बनता है भाई, क्योंकि 225 किलोमीटर चल चुका हूँ नॉनस्टॉप तब से, और ये जयपुर से पहले के जो पहाड़ आते हैं ये आ चुके हैं। फुल कर दो, ठीक है जीरो। मगर एक चीज़ यार कहनी पड़ेगी, जो ये जैकेट मैंने डाली है इस ट्रिप पे, निर्विक रॉयल इनफील्ड जैकेट, यार कितनी कंफर्टेबल जैकेट है, मतलब मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि मैंने जैकेट पहन रखी है। वेंटिलेशन भी प्रॉपर है इसमें, और जो मेन बात है जो इसका स्टफ़ है ना, वो कहीं से आपको ऐसा लगने नहीं देगा कि आपने मतलब एक टूरिंग जैकेट पहन रखी है। ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है और शेड भी है, तो बाइक को लगाते हैं यहाँ पे। हाय माँ, कितना हो गया, 336 किलोमीटर चला दिया हमने और आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, मतलब खींच भी नहीं रहा हूँ बाइक को, क्योंकि एनर्जी जो है ना शुरू में बचाऊँगा तो बाद में खर्चा करूँगा, ये एक तरीका है मेरा। शुरू में अगर तेज खींचूंगा तो लास्ट तक नहीं लगा पाऊंगा, तो मतलब यही है, थोड़ा सा शुरू में अपनी एनर्जी बचा के चलो ताकि वो लास्ट तक आपके काम आ जाए। अभी चलते हैं, थोड़ा सा फ्यूल डालते हैं बॉडी में। मुँह हाथ धो के अब थोड़ा चैन मिला है और हेलमेट का निशान पड़ गया भाई पूरा, क्योंकि कम से कम 3-4 घंटे से रेगुलर चला रहा हूँ, थोड़ी देर में चला जाएगा। तो मैं पहले सोच रहा था कि गरम चाय पी लूँ, फिर मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर ली और ग्रिल सैंडविच, थोड़ा सा लाइट रखूँगा। मैं हर ट्रिप में क्या करता हूँ ना, आपको एक राज कर रहा था, हर ट्रिप में ना ओवरवेट होके जाता हूँ, पराठे खा लिए, ये खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खा ली, तो मैंने सोचा इस ट्रिप पर थोड़ा सा ना लाइट रखते हैं मामला, ताकि सेहत पर भी लाइट रहे। हर ट्रिप से मैं वापस घर जाता हूँ ना, मेरा 2-2.5 किलो वेट बड़ा होता है। अब कोल्ड कॉफ़ी तो थोड़ा बढ़ेगा, क्या कर सकते हैं। कॉफ़ी इसलिए थोड़ा सा जगा रहूँगा और सैंडविच थोड़ा सा लाइट है। चलो अच्छा है, नॉट बैड। चलो मैं इसको फिनिश करता हूँ जल्दी जल्दी और फिर आपसे मिलता हूँ बाइक पर, ठीक है। चलो जी, ब्रेकफास्ट कम रिफ्रेशमेंट कम खाना पानी हो गया, अब हम निकलते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, टाइम हो गया अभी 11:40,
ओके लेट्स गो नाउ। थोड़ी सी एनर्जी आई है बॉडी में खाने के बाद। ये क्या हो रहा है? ट्रैफिक पुलिस सही है भाई, यहाँ के चुस्त है एकदम। पीछे भी मैंने देखा तीन चार लोगों के चालान कट रहे थे, तो वही है मौका देने वाली बात है, मौका ना दो, आराम से एकदम लो प्रोफाइल हो के चलो, सब चीज़ सही रहती है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चल रहा हूँ तो अच्छी खासी हवा लग रही है, रुक गया तो हालत ख़राब हो जाएगी, गर्मी इतनी है। ताऊ ताऊ नहीं मान रहा बिल्कुल भी। ये दिखा भाई एक सौभाग्य हाईवे होटल एंड रेस्टोरेंट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए भाई। है कुछ तो है, खाने का इंतजाम तो लग रहा है। ये बढ़िया, यहाँ पे शेड मिल जा रहा है हर जगह पे। ओहो दिल्ली से, दिल्ली कब निकले? सुबह 5 बजे बॉम्बे। आप कहाँ से हो? इंदौर एमपी। पास ही है वो तो, इसी क्रास मिल जाएगा तुम्हारा। है जी, इसी क्रास मिल जाएगा उदयपुर। उदयपुर से क्या मिल जाएगा? क्रास बम्बई के लिए। अच्छा देखिए कैमरा है ना। कितने लोग आप? मैं अकेला ही हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी और चल रही थी। नहीं वो मेरे साथ नहीं थे, वो दो बंदे थे जो वो अलग है। पहले भी निकले हो क्या अभी पहली बार? नहीं नहीं मैं बहुत निकल चुका हूँ। मेरी बाइक पे लगवाना है जी, मेरी बाइक पे भी लगवाना है। क्या ये मोबाइल आगे चलेगा इससे? इससे लद्दाख जा चुका हूँ 2 बार, स्पीति जा चुका हूँ, नेपाल जा चुका हूँ, जैसलमेर जा चुका हूँ, कोई मेंटेनेंस नहीं, आराम से चलाओ बस, चलती रहती है। गर्म होगा भैया? भैया हाथ चिपक जाएगा, बहुत गर्म है पाइप वो। भाई साहब यहाँ पे खाने का कुछ नहीं है, मतलब है काफ़ी सारा मगर मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को आ जाएगी नींद उसके बाद। तो दूसरा ये 7 अप नींबू ले लिया मैंने, दूसरा मतलब पहला मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ। हाथ मुँह धो लिया बढ़िया तरीके से, अब थोड़ी सी फ्रेशनेस आई है, धूप मेरे सर पे पड़ रही है एकदम, गर्मी बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ा टेम्परेचर हो रहा है। टेम्परेचर हालांकि मैंने चेक नहीं करा, मतलब अराउंड 35-37 होगा फॉर श्योर। बस यही है, हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड स्टफ़ ज़्यादा नहीं खा रहा क्योंकि हार्ड खाऊँगा तो नींद आएगी फिर। 3 फ्यूलअप मैं करा चुका हूँ, पहला था 800 का, सेकंड भी 800 के आसपास का था, जो थर्ड हुआ था वो आया था 991 का। और अभी उदयपुर आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर, उसके बाद देखते हैं उदयपुर पहुंचने के बाद के हालत बचती आगे जाने की या नहीं। अभी तक तो ऐसे ही सिचुएशन है कि मैं आगे चला सकता हूं, मगर यू नेवर नो, बॉडी है कभी भी जवाब दे सकती है, मगर शो मस्ट गो ऑन। चलो 2 7 अप ख़त्म, बस सही था यार ये नींबूज़ वाला, बढ़िया एकदम, आँख ऊँख सब खुल गई। चलो चलते हैं बाइक पे, मिलता हूँ आपसे मोटो ब्लॉग में। चले जी लेट्स गो, आगे का सफ़र करते हैं पूरा।
मतलब ऐसा मेरे को भी थकान नहीं हो। देखो मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को हल्की सी भी थकान होगी ना मैं वहीं लेट जाऊँगा, और अगर नहीं होगी तो मैं चलता रहूँगा। मतलब बॉडी पे कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता मैं कि हाँ ज़बरदस्ती मेरे को खींचना है। हाँ अगर मेरी बॉडी अलाउ कर रही है मैं खींचूँगा, उसमें कोई बुराई नहीं। देखो हमें इसमें ये नहीं करना कि हाँ भैया मेरे को जाना ही जाना है या ये करना है या वो करना है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है इट्स वेल एंड गुड, गो अहेड, और अगर नहीं कर रही है अलाउ तो रुक जाओ आराम से, एज सिंपल एज दैट। उदयपुर के अंदर मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, मगर घुसते यहाँ पे एक कांड हो गया, और यार मतलब एक सेटबैक होता है जिसको, वो हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, दिखाता हूँ। हेलमेट का जो ये वाइज़र है इसका, ये जो ये निकल गया यहाँ से, और इसका जो ये स्क्रू होता है ना, ये स्क्रू आधा टूट के उसमें फंस गया और आधा बाहर निकल गया, और बड़ी मुश्किल सिचुएशन में पड़ गया हूँ यार, क्योंकि इसको अगर ऐसे भी लगाता हूँ तो ये मतलब भगवान के भरोसे ये कहीं पे भी गिर जाएगा। या इसका एक काम कर सकते हैं, कहीं से फेविकोल लेके ना, फेविकोल मेरे बैग में पड़ा है मगर नीचे है, आगे किसी शॉप से फेविकोल लेके इसको ऐसे चिपका देते हैं तो इसका काम बन सकता है। अभी तो ये देखो ऐसी हालत में है बिल्कुल, मतलब बस काम चला सकते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो। सफ़र अभी लंबा है, हार नहीं मानेंगे भाई, चलते रहेंगे आज। ये हार्डवेयर की शॉप है, इसके पास होना चाहिए। इसका कॉल आ रहा है, कॉल का टाइम नहीं है भाई अभी। हार्डवेयर की शॉप पे हो सकता है मिल जाए। भैया फेवी क्विक मिलेगा आपके पास, देना एक छोटा। चलो मिल गया। क्या नाम भैया आपका? जगदीश पाली भाई। जगदीश भैया ने हमारी हेल्प करी आज, फेविक्विक और पेच लगा के जुगाड़ बनाया है। अब अपना हेलमेट पहले से तो सही हो रहा है, हाँ पहले से ठीक है। चलो कम से कम मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से कभी। ओके जी। अच्छा है यार, दुनिया चलती है भाई ट्रस्ट पे। मैं गया था फेविकुक लेने, भैया ने उसमें जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ ही चलेगा भाई, अभी और कुछ नहीं चलेगा। हमने उसमें पेच लगाए दो, अभी कहीं पे रुकूंगा ना तो आपको दिखाऊंगा। दो पेच लगा दिए जो पेच टूट गए थे, और थोड़ा सा फेविकुक डाल दिया। अभी काम चलाने को ठीक है कि मैं पहुँच जाऊँगा, बाकी बाद में देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते। नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, ऐसे ही नमस्ते कर दिया आपको। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी ग्लव्स रह गए थे मेरे, ठीक है जी, थैंक यू। बिना जान पहचान के भी लोगों को हाय हेलो नमस्ते कर दो, बढ़िया रहता है। भाई आपने बहुत सुना होगा ना लोगों से कि आजकल कोई किसी का नहीं है, तो यार ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं। अच्छाई अभी भी बाकी है, आप अच्छा करिए आपको अच्छा मिलेगा। सिंपल सा ये एक फंडा है लाइफ का,
ठीक है जी, अपन चलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र कि हम एक मुसीबत से बच गए। लक्ष्मी प्लाईवुड एंड हार्डवेयर उदयपुर, हाँ जी उदयपुर ही है, और थोड़ा सा रह गया उदयपुर, मतलब आउटर कह सकते हैं। मैं तो यार एक बारी को मतलब सोचने बैठ गया था कि यार ढूंढू रहने का ठिकाना यहाँ पे, क्योंकि हो गया था काम ऑलमोस्ट, पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भाई साहब एज यूजुअल मेरे गोप्रो का ऑडियो हो गया करप्ट, ऑडियो फाइल आई नहीं और मेरे को तभी वॉइस ओवर डालना पड़ा। तो अभी मैं हूँ अहमदाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर पहले, और मैंने सोचा थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, तो वही अपना लाइट रखा यहाँ पे, एक छोटा सा सैंडविच ले लिया और एक लेमनेड, और इसको खा पी के बस हम आगे निकलते हैं। और देखो अभी तक बॉडी में एनर्जी सही है, बाकी आगे चल के देखते हैं अहमदाबाद में क्या हाल होता है। अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा अगले मेरे ख्याल से 30-35 मिनट में, उसके बाद वहां से निकलेंगे और फिर आगे का सफ़र वहां से मैं देखता हूं कि आगे क्या करना है। अभी तक तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, मज़ा आ रहा है ट्रिप में। हेलमेट का एक सेटबैक था मगर वो हो गया सही, कोई बात नहीं। अब कोई मुश्किल होती है तो यार उसका सॉल्यूशन भी निकल ही जाता है आखिर। ठीक है चलो आगे मिलता हूँ आपसे, यहाँ से खा के बस जल्दी से निकलता हूँ। चलो जी फाइनली अहमदाबाद आया, बड़ी देर से चल रहा हूँ और रात का टाइम है ना, मतलब हाईवे पे भी जो रोड है वो पीछे तो सही थी, आगे जाके वो अनइवन हो रही है, कहीं पे भी कहीं पे नीचे है कहीं पे ऊपर है। तो डिसाइड हमने ये करा है कि मैं चल रहा हूँ सीधा बिना रुके और देखता हूँ मुंबई कितने बजे तक पहुँचता हूँ सुबह। अगर देखो अभी भी अगर बीच में कहीं लगा कि तो अभी बीच में सूरत आएगा और एक दो सिटी और आएंगे, अगर कहीं पे लगा तो रुक जाऊंगा, ऐसी कोई वो नहीं है। भाई ये है हाल जो आपका अहमदाबाद से सूरत हाईवे आता है, मतलब देख लो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मिडनाइट हो ही नहीं रही है, इतना ट्रैफिक है। और ये ट्रक तो मतलब चलते रहेंगे और रात में तो ज़्यादा चलते हैं ये। अभी सूरत आने वाला है और अहमदाबाद से जो सूरत का रास्ता है इसमें पूरे में आपको ट्रैफिक मिलेगा हाईवे पे, और सूरत से मुंबई रह जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर के आसपास, मगर उसमें लगते हैं 5 घंटे। बॉडी की हालत अभी तक ठीक है, एज सच वो नहीं है कि हाँ बिल्कुल कहीं पे लेट जाऊँ या सो जाऊँ, तो यही फ़र्क रहता है यार, अगर आप ज़्यादा खा लोगे ना तो आपको नींद आएगी। अब मैंने 2021 में करा था अपना आयरन बट चैलेंज, उसके बाद से मेरे को बड़े टाइम से यार एक वो कीड़ा काट रहा था कि कोई ऐसा लंबा ट्रिप मारना है, थोड़ा सा देखूं कि बॉडी में अभी भी वो वाली जो कैपेबिलिटी है वो बची है या नहीं है। तो अभी तक तो लग रहा है हाँ भाई कहीं ना कहीं जिंदा हूँ मैं। अब देखो सुबह तक क्या हालत होती है, क्या है यहाँ पे, क्या कितना आया वापी, ज़ीरो वापी, वापी जगह है कोई, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। और आज मतलब अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब लास्ट तक मेरी हालत अब थोड़ी सी टाइट होने लगी है, सच बता रहा हूँ अब हो रही है, मतलब अब नींद भी आ रही है और कहीं रुक के मैं मुँह धोता हूँ, मगर मेरे को ये पता है कि 200 किलोमीटर के अंदर अंदर हूँ मैं अभी। तो अपने साथ आज कांड बहुत हुए हैं, मतलब सुबह चला था जब, आज तो दिन चेंज हो चुका है, मतलब कल सुबह जब चला था कल सुबह से पहले हेलमेट का कांड हुआ, फिर थोड़ी देर पहले फ़ोन का कांड हो गया, फ़ोन पता नहीं क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा,
बोबो की जो चार्जिंग वाली वायर है वो शायद हट गई, और मैंने लगा रखे थे गाने दबा के, और मेरे को लग रहा था फ़ोन चार्ज हो रहा है, थोड़ी देर बाद देखा तो 8% बैटरी, और 8% से बिल्कुल ज़ीरो, और फ़ोन खिंच ख़त्म, और फ़ोन ही नहीं ऑन हो रहा है ना, मेरे को मेरा मैप भी बंद है। खैर रास्ता तो मेरे को अभी पता है, ये हाईवे सीधा चल रहा है, मगर टाइम नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि राइडिंग जैकेट के नीचे मैं घड़ी भी नहीं डालता। तो यार लाइट ने बहुत साथ दिया है, वैष्णो लाइट, मज़ा आ रहा है, और साथ में अपनी ऑक्स लाइट भी जला रखी है मैंने, मगर अगर ऑक्स नहीं जलाऊंगा तब भी मस्त काम करती है लाइट, पूरा का पूरा रोड कवर कर रही है पूरा, और कॉर्नर देखो ना, पूरा कॉर्नर कवर होता है, मतलब अगर बाइक थोड़ा सा इधर उधर चली भी जाती है तो आपको सारी सारी चीज़ें दिखती हैं एकदम। ये पेट्रोल पंप आ रहा है, यहाँ किसी से टाइम पूछता हूँ एक बार। आई लव इंडियन ऑयल। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग प्यार ही करने लगे हैं पेट्रोल को। सारे के सारे अकेला मैं ही हूं क्या जो जाग रहा हूं, कोई तो बता दो। ये दूसरा पेट्रोल पंप है, यहां पे कोई है क्या? हेलमेट भी बहुत देख के खोलना पड़ रहा है मेरे को। ए, ए, खुल जा भाई, आराम से आ आ भाई साहब, टाइम क्या हो गया? टाइम पाँच बज गया होगा, आपके पास भी नहीं है मोबाइल? यहाँ से मुंबई कितना बचा है? यहाँ से मुंबई कितना किलोमीटर? मेन बाहर तक बाहर आपको पड़ जाएगा घोड़बंदर तक 130। टाइम बता सकते हैं मेरे को प्लीज? क्या चीज? पौने छः। थैंक यू भैया, थैंक यू, मैं कह रहा हूँ थैंक यू। पौने छः, तो सही खींच लिया बाइक मतलब मैंने भाई। ये है चेक पोस्ट लिखा था यहाँ पे, अब जाके मेरा बैग ढीला हुआ है, 24 घंटे हो गए मेरे को चलते हुए, और बैग बहुत सही साथ दिया, अब जाके बेचारा थोड़ा सा लूज़ हुआ है, और अब मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ। ये एक्रो स्ट्रैप्स बड़े सही चीज़ हैं यार। चाय पीता हूँ यार, मुंह धोता हूँ कहीं, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है लास्ट में आके हार ना मान जाऊँ कहीं, वैसे मानूंगा नहीं, अब तो ढीठ बन गया हूँ मैं। पता है एक टाइम के बाद ना आपकी बॉडी सुन पड़ जाती है। जब मेरा लास्ट हेलमेट का रैचेट ख़राब हो गया था, उस टाइम में मैं आपसे बोल रहा था ना कि कुछ ना कुछ बुरा होता है तो उसके बाद एकदम कुछ अच्छा भी हो जाता है, तो वही अपने साथ हुआ। फ़ोन अपना ऑन हो गया भाई, 20 मिनट पहले फ़ोन ऑन हो गया था, और
जहाँ बैटरी एकदम ज़ीरो हुई थी, बैटरी उठी एकदम 21% से, अब 68% हो गया, मतलब सही चार्ज हो रहा है, ठीक है। और टाइम हो गया भाई 6:25, तो 6:25 हो चुके हैं अभी, 6:45 हमने उनसे भैया से टाइम पूछा था, और चाय की टपरी में ढूंढ रहा हूँ कहीं पे कि मिल जाए। ओ गई जी, गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया। और आसपास का एरिया देख के आप लोग समझ गए होंगे कि जो आउटस्कर्ट्स है उनमें मैं एंटर हो चुका हूँ, और अभी 90 किलोमीटर्स के आसपास बचा है। और वो रहा सनराइज, यार क्या प्रॉपर व्यू आ रहा है, मज़ा आ गया कसम से, देख रहे हो, इसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता गोप्रो में। यार रुको जरा फोटो खिंचवा लूं। सुदेश, बॉम्बे से हो आप भी? अकेले में यही रहता है यार, फोटो खींचने के लिए किसी को पकड़ना पड़ता है। तू मिल गया मेरे को भाई सुबह सुबह। हाँ, सनराइज बहुत अच्छा आ रहा है अकेले में भाई, वो यही होता है। एक काम करो, इधर से खींच दो, ऐसे खींच दो, थैंक यू। चलो फाइनली चाय की एक दुकान मिली। भैया एक चाय दे दीजिए। फाइनली अब जाके मेरी चाय की इच्छा पूरी हुई है, और चश्मा सुबह सुबह इसलिए मैंने लगा लिया क्योंकि अगर आप लोग मेरी आंखें देखेंगे तो डर जाएंगे, सूज चुकी है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सुबह सुबह आपको डरा दूँ इससे बढ़िया मैंने कहा चश्मा ही पहन लूँ। अभी पूरा निशान वगैरह पड़ा हुआ था हेलमेट का, काफ़ी देर से लगा रखा है इसलिए अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, मगर चाय बड़ी सही है। दूसरा कप है मेरा, इन्होंने लौंग वगैरह कुछ डाला है इसमें, और एकदम तरोताज़ा हो गई बॉडी, मज़ा आ गया सुबह सुबह कसम से। पूरे रास्ते जब मैं चल रहा था ना, मतलब कल सुबह जब घर से चला था और आज पूरा जब अहमदाबाद वगैरह सब क्रॉस करा, बहुत बार लगा कि यार रुक जाता हूँ कुछ नहीं होता, फिर ऐसा लगा कि यार अभी जब बॉडी जोर नहीं मार रही तो चलते रहते हैं, जब अगर बोलेगी तो रुक जाएंगे। एक दो बार लगा ऐसा, तो क्या करा मैं, मुंह धो लिया था बीच में और उसके बाद चलता रहा। अब हाईवे हाईवे है ना, बहुत ज़्यादा कहीं रुक भी नहीं सकते, मगर ठीक है, मेरे को लग रहा है अब जो भी हमने करा ना वर्थ है। देखो यार, जो आपको सही लगे ना वो करो मेरे हिसाब से, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि यार इसको सही नहीं लगेगा उसको तो मैं नहीं करता, अपना दिल कर रहा ना करो भाई उस काम को, टेंशन नहीं लेने की। चलो यार चलते, टाइम टू लीव। ओके ओके ओके, मतलब ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया चाय थी यार, मज़ा आ गया, दिल बागबान हो गया, बागबान हो गया, बाग बाग हो गया, गलत बोल गया मैं। जबान भी लड़खड़ा रही है अब, मैंने सोचा नहीं था यार कि मैं नॉन स्टॉप लगा दूंगा बाइक, मगर वही है कि जो चीज़ सोचो वो इंसान कर ही लेता है। इसमें ओवर एम्बिशियस होने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब आप कर सकते हो तो कर लो यार, सीधी सीधी बात यह है। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं कर सकते तो रहने दो, अगर कर सकते हो तो कर लो, ख़त्म कहानी बस। मैंने पहले लंबे लंबे स्ट्रेच खूब करे हैं, आयरन बट राइड वगैरह करी है, तो उस हिसाब से आदत है बॉडी को, और ये पता है कि लॉन्ग राइड मतलब आपको अगर लंबे स्ट्रेच लेने हैं नॉन स्टॉप बिना कहीं स्टे करे, तो किस तरीके से आपको खाना है, किस तरीके से आपको पीना है, सारा हार्ड स्टफ़ कभी भी नहीं खाओ। आपने देखा मैंने रोटी चावल छुए तक नहीं है बिल्कुल भी।
बॉम्बे में हमारी एंट्री हो चुकी है भाई, और बॉम्बे बहुत बड़ा है। अब पता नहीं मैप कहाँ तक पकड़ के चलता है। मैं जा रहा हूँ वाशी, VASHI, आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड इट राइट। अभी बोरेवली आएगा 3 किलोमीटर, और टाइम हो गया है भाई साहब 8:31, तो 8:31 टाइम हुआ है, और बॉम्बे एंटर करने में मुझे हो गया, मेरा 15-20 मिनट से ऊपर ही हो गया, और 5:40 पे मैं घर से चला था। कैलकुलेशन कितना हो गया लगा लो यार अपने आप, मतलब 26-27 घंटे के आसपास हो गया। मैंने घर से लगाया था तो मेरे को दिखा रहा था 23 घंटा 40 मिनट, तो थोड़ा मतलब मैं चाय चूहे पीने के लिए, सैंडविच वगैरह खाने के लिए कहीं रुका तो उसको लगा लो। और किलोमीटर चल चुके हैं 1519 पकड़ के चलते हैं, 1519.9, और ये हुए 1520 किलोमीटर पूरे। तो भाई फाइनली एक होटल मिला, और कहते हैं ना कि मुंबई में घर ढूंढना मुश्किल है, मैं तो कहूँगा यहाँ पे होटल ढूंढना भी मुश्किल हो गया था आज मेरे लिए, क्योंकि थका हुआ इतना हूँ और बार बार बैक टू बैक किसी होटल में मतलब मेरे से जाया नहीं जा रहा था। तो मैंने फाइनली एक ही डिसाइड करा और उसी में रुक गया। डिसेंट सा रूम है, रूम दिखा देता हूँ आपको। ये अपना एक बेड हो गया, और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को डेस्क मिल गया ताकि लैपटॉप रख के थोड़ा काम कर सकूँ। ये एक छोटा सा टीवी है जिसे मैं चलाऊँगा नहीं। ये अपना एक वॉशरूम हो गया डिसेंट सा, यहाँ अपने ने जैकेट टांग दी, ये अलमीरा हो गया, ये अपना हो गया लगेज, ठीक है जी। तो रूम फिनिश, और आई थिंक एक बंदे के लिए मोर देन सफिशेंट है। बाकी भाई आज जो अपनी हालत हुई है अब जाके वो हो रही है थोड़ी ख़राब, क्योंकि अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। खाने का मैंने ऑर्डर कर दिया एक पाव भाजी और एक फ्रेश लाइम सोडा, वो खा के सुट होकर सो जाऊंगा मैं, कल मिलूंगा आपसे। बाकी यार बाइक की जो परफॉर्मेंस आई ना, क्या कहूँ, मतलब प्यार पहले ही था इंटरसेप्टर से और ज़्यादा हो गया। बाइक ने यार बहुत साथ दिया है कसम से, हैट्स ऑफ टू इंटरसेप्टर, और थोड़ा सा क्रेडिट यार मेरे को भी जो चलाने वाला बंदा है। बस यार ये है कि अपने ऊपर ना विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो। आपको अगर अंदर से आवाज़ आ रही ना कि भाई कर ले कर ले कर ले, तो कर डालो। बीच में अगर नहीं हुआ कुछ भी हुआ तो देख ही जाएगी यार, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ट्राई करने से सब कुछ होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा अगर बहुत बड़ा कारनामा है, आप भी कल को बाइक उठाओ करो, अगर आपको पहले प्रैक्टिस है कुछ आपने करा हुआ है, क्योंकि मैंने यार लॉन्ग ट्रिप्स बहुत करी हैं तो मेरे को मतलब ज़्यादा इतना फील नहीं हुआ। बस ये रहता है खाने पे ध्यान रखना पड़ता है, आप क्या खाते हैं 24 घंटे में ये ध्यान रखना है आपको। बाकी खाने से याद आया क्या, भूख बहुत सही लग रही है अभी, वो चाय पी थी थोड़ी देर पहले, उसके बाद से क्या उससे काफ़ी पहले से कुछ नहीं खा रखा मैंने ताकि नींद ना आए इसलिए। बाकी यार बाइक हीट हो रही थी थोड़ी सी राजस्थान में कल, मगर अंडर द थाइस बिल्कुल भी हीट नहीं फील हुई मेरे को, क्योंकि जो हमने RLZ की जो हीट शील्ड लगाई हुई है कार्बन फाइबर की, बहुत सही काम करती यार वो। आई नो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मगर इट्स टोटली वर्थ एवरी पेनी, बहुत सही चीज़ है। बाकी अब मैं सो रहा हूँ भाई खाना खा के, आपसे मिलूँगा कल, और यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और भाई जो हमने कारनामा करा इसके लिए एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक मेरा नाम, एक लाइक इंटरसेप्टर के नाम, ठीक है जी। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।